हमारा नाम इंद्रासनी, ये परेशान हो जाती है, इतनी गंदी गंदी गाली बकते हैं। हमको मार चुका है बड़े लड़के की वाइफ मार चुकी है, बड़े लड़के का लड़का मार चुका, बड़ा लड़का भी मार चुका है। क्यों मारते हैं? जितना वो कहता कि तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। अपने सुरक्षा में सीसी कैमरा लगवाया है तो उसका भी तार और काट दिया था, तो 6-7 साल से हमको मतलब एक दिन चैन से रहने नहीं देता है। ये ना दे तो नहीं, मतलब हम खाना पीना भी नहीं खा पाएंगे। हमारा 2 महीना एडमिट थे आईसीयू में, फातिमा में एडमिट थे, कोई देखने भी नहीं गया ना कोई पूछने गया। यही लड़की जो छोटी वाली मेरी बहू है वही सब सेवा सत्कार की, उसको भी मतलब सोचते हैं कि कैसे भगा दें कि इनका ना करे तो मजबूर हो जाएंगी तो हमको दे देंगी सब प्रॉपर्टी। बताइए ऐसा बाबू कहीं होता है? थाने पर जाते हैं कुछ नहीं होता है, अजय सिंह का आता है फोन पर भी कर देते हैं कुछ नहीं होता है। अरे गोरखनाथ में मंदिर के हैं आदमी, उसी के उन्हीं के कटरे में हमारा बड़ा लड़का शोरूम बनाया है, दो पिल्टानिस का काम नहीं करते हैं, उसी उन्हीं के कटरे में रहता है। क्या उनसे संबंध है वही जानेगा, खिलाता पिलाता होगा जो भी करता होगा। घर के एक पोर्शन में मैं किनारे इनको एक कमरे में लेके रहता हूँ। इनको कई बार कमरे में घुसकर इनको मार चुके हैं। स्थानीय थाने में कई महीनों दौड़ने के बाद मुश्किल से FIR दर्ज करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई ने मेरे पिताजी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रखा। मेरे पिताजी का मृत्यु SGPGI में 26/11/1997 में हुआ था, और वहाँ पर उनकी डेथ हुई इलाज के दौरान, और वहीं के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया 26/11/1997। उसके बाद जान प्रकाश में आएगा कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र और नगर निगम गोरखपुर से जारी हुआ है, जिसका मृत्यु दिनांक 31/1/2009 है। जब इसकी जानकारी हुई तो हम लोग गए नगर निगम, उसको खारिज करने के लिए एप्लीकेशन दिया, बाकायदे जांच हुई। जांच में ये निकल कर आया कि मृतक पवन कुमार पुत्र स्वर्गीय किशोरी लाल के क्या कहते हैं बड़े पुत्र अजय कुमार द्वारा ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया। और मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए बनवाया गया है क्योंकि उसने पिताजी के नाम से फर्जी वसीयत तैयार कर रखी है, पिताजी की सिग्नेचर करके। और क्या कहते हैं, वह इसी वजह से मेरी माता जी का घर नहीं बताता है, इनको आए दिन परेशान कर रहा है कि घर छोड़ के चले। मैं इनकी दवा इलाज में सहायता करता हूँ, मेरी वाइफ सहायता करती है, तो हम लोग को भी प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है कि हम लोग उस घर में ना रहे। लास्ट घटना क्या कहते हैं 12/6/2024 को घटी है, रात 11 बजे माँ को क्या कहते हैं मारने के लिए दौड़ा दिया है। हम लोग जब बचाने गए हैं तो हम लोग को भी गाली गुप्ता दे रहा था, कमरे में किसी तरह बंद किए, 112 नंबर पुलिस पे फोन किया, उसकी सहायता से हम लोग घर से बाहर आए। इसी तरह हम लोग थाने में पहुंचे, थाने में कोई कार्रवाई नहीं, उस समय कोई पुलिसकर्मी कह रहा है आप लोग जाइए, कोई सहायता नहीं इस समय हो सकती है। थाने के बाहर सब फिर दौड़ा रहे थे। इसी तरह हम लोग घर पर गए, घर के बाहर ये सब लाठी डंडा लेकर तैयार हो गए, घर में घुसने नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैं उच्च अधिकारियों से ले जाकर मदर को मिलवाया। उसके बाद क्या कहते हैं किसी ने कोई सभी ने कहा जाओ SHO के पास, SHO के पास गया, कुछ सुन नहीं रहे हैं, उल्टा मेरी गलती निकाल देते हैं। माता जी से कहते हैं कि क्या कहते हैं जाओ तुम्हारा जाओ कोर्ट से लड़ो, कोर्ट से अपना फैसला लेके आओ। SHO का नाम नहीं मालूम है, और जो अनूप कुमार तिवारी है साथ गोरखनाथ थाना, और क्या कहते हैं जो अनूप कुमार तिवारी है वो उल्टा कहते हैं वहाँ के SI हैं, कहते हैं तुम लोग के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, तुम लोग का चालान कर देंगे, रात भर बैठाएंगे, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। और किसी तरह से हम लोग को थाने में नहीं सहायता मिलती है। हम लोग ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया, जांच रिपोर्ट दिखाई कि बड़े पुत्र द्वारा बनाया गया, तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई वर्षों से मार पीट रहा है, पुलिस कोई सहायता नहीं करती। हम चाहते हैं उन लोगों पर कार्रवाई हो। मेरी माँ का घर है, माँ को घर में पुनः प्रवेश मिले, हम लोग अपने घर में रह पाए। अभी हम लोग क्या कहते हैं अपने सिस्टर के वहाँ गए, नहीं घर में घुसने दे रहा, लाठी डंडा लेके मारपीट के हम लोग को भगा दिया।